स्तम सर्वभूत हृदय मुनिवारण तुस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासवि गौर भक्त वृंद सभाग बलहरी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे बलहरे कृष्ण राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को चरण में मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके प्रभु जन्म हुए और कैसे सारे ब्रजवासी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की सबके सब खूब उत्सव की खूब आनंद लिए ब्रजवासी हैं। इतने में कंस को है जिस समय वसुदेव महाराज कृष्ण को गोकुल में रख करके बेटी को मथुरा में ले आए अपना कंस का कारागार में प्रवेश करते ही वो जो बेटी थी कहते वो जो बेटी थी जोर जोर से रोना शुरू कर दी जोर जोर से रोना शुरू कर दी। इतने में पहरादार जग गए कंस को आदि बोल दिए तेरे काल जन्म लिया। कंस तो भागते भागते आया देखा बेटा नहीं एक बेटी जन्म ली। देवकी ने बहुत प्रार्थना की अगर बेटा होता तो तेरे को मारता लेकिन तो बेटी है। बोले तुमने मेरे छह छह बच्चों को तुमने मार डाले कम से कम एक बेटी को तो छोड़ दे लेकिन वो कहां सुनने वाले हैं। बोले बेटा क्यों बेटी क्यों नहीं हो आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। इतने में कंस जब पकड़ने के लिए गया अभी वो थी जोग माया लेकिन कंस स्पर्श करते ही हो गई महामाया। जो पछाड़ने के लिए गया उसने अपना चरण की एक ठोकर मारे कंस को कंस तो वहीं पर धराम करके गिर पड़ा और वो आकाश में उड़ गई। अष्ट भुजाओं को धारण करते हुए बोली रे बूढ़ा कंस तू मुझे क्या मारोगे तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म हो चुका है। देखा ये तो मेरी कुलदेव ये तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। उसने जितने त्रिना वर्त सकटा सुर कुतना सबको उन्हें बुलाया एक मीटिंग करवाए बोले बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए। इतने में पुतना खड़ी हो गई बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। बोले पुतना मतलब क्या बोले पुत्र मतलब पुत्र ना मतलब नहीं जिसकी पुत्र नहीं तो फिर ये पुत का क्या जरूरत है मेरे को आदेश दे एक महीना अंदर में तो कहीं बच्चा जन्म लिया होगा ना सारे बच्चे को मैं मार डालूंगी क्योंकि मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ। बोले बहन जल्दी से जल्दी तू ये काम करो अभी पुतना जा करके सर्वत्र सारे बच्चों को मार रही थी सारे बच्चों को मार रही थी। इतने में पुतना आ गई गोकुल में जब गोकुल में आए देखा जहां जाए एक ही चर्चा है। बोले क्या चर्चा है बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आ गोकुल में आ
चर्चा में भैया नंद के लाला भयो है, देखने में तो कारो है लेकिन दुनिया को उजियार करने वाला है, बड़ा बड़ा सुंदर है। अभी सुनते सुनते उतना के तो कान पक गए, बोले भैया जहां जाऊं एक ही चर्चा है, नंद के लाला भयो है, नंद के लाला भयो। इसलिए वो सीधा गोकुल में श्री नंद भवन में चली गई। देखा भैया यशोदा माता रोहिणी बच्चे को पलंग में बैठा करके सुला रही है और उनको झूला में उन्होंने झूला रहे थे। इसको उन्होंने देख करके सीधा पुतना गई, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करनी चाहिए। इतना उन्होंने सीधा उन्होंने उनको गोद में उठा ली और वो इतने सुंदर थी। माँ जशोदा सोच रही थी अगर कन्या का कोई मैया बनने का लायक तो यही है, इतने सुंदरी बनकर के आई थी, कुछ बोल नहीं सकी। लेकिन जब कृष्ण को गोद में उठा ली ना, इतने में कृष्ण ने आंख बंद कर दी। बोले कृष्ण आंख क्यों बंद की? बोले इसको पीछे हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी रहस्य बात बताई, कृष्ण आंख क्यों बंद की? अभी ध्यान देकर सुनो और कल सबको पूछूंगा, ठीक है? मन लगा कर सुनना, मैं देखूंगा कौन बोल पाता है। कृष्ण क्यों आंख बंद की है, उसका एक कारण बताए। वो ऊपर में तो माँ के रूप धारण करके आए थे लेकिन अंदर में पुतना मारने के लिए जा रही थी। ये कपट थी, हाँ ये कपटी। भगवान बोले देखो जो कपट करता है मैं उसका मुंह नहीं देख सकता हूँ, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। दूसरा कारण क्या है, बोले तू बच्चों को मारने के लिए आया है, तेरे को पता है ये बच्चे कौन है? कहते मेरे सखा और सखियां हैं और तुम मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आए हो, इसलिए तेरे में मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए मानो भगवान ने आंख बंद कर दी। तीसरा कारण बताए भगवान आए क्यों, इसलिए आए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों को विनाश के लिए और संतों को रक्षा करने के लिए ही ठाकुर जी आए। अभी प्रभु अभी पुतना को मारेंगे लेकिन वो तो ऊपर से माँ की उदाहरण करके आई है, मैया को मार नहीं सकते हैं, इसलिए अभी तो ये छटपटाएगी। इसलिए भगवान ने देखा भैया इसका दुख मैं देख नहीं सकती हूँ, भगवान यद्यपि मारने वाले लेकिन प्रभु पर दयालु हैं, इसलिए उन्होंने आंख बंद कर दी। कितना कारण हुआ, तीन कारण हो गया। चौथा कारण बताए, देखना बच्चों का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, अगर घर का कोई व्यक्ति हो ना उसको सामने तक खेलते कूदते हैं, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए डर जाते, बोले दारी के कहां से, इसका हर कोई देखो ही ना। इसलिए भगवान ने क्या किया, उन्हें आंख बंद कर दी। इसका पंचमा कारण बताए, बोले पूर्व जन्म में इसने ऐसे कौन सा पुण्य की है जो कि मेरे को ये गोद में ले रही है। बोले क्यों, बोले जनामा जनामा मोनी जतन करा, लेकिन जब उन्होंने दो कदम पग में सब कुछ ले ली, तीसरे पग
रखने के लिए कोई स्थान नहीं, उन्हें उनको नाग बंधन में बांध लिए। अभी वो सोच रही है बड़े दुष्ट है, सब कुछ मेरे पिता ने भी ले लिया और मेरे पिता को बांध भी दिया, पर अगर तुम तो मेरे बेटे बन करके आओगे ना तो मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तो मैं जहर पिलाऊंगी। भगवान ने देखा था वही रत्न वाला आदमी कितना बन करके आई, तभी उन्होंने भगवान को गोद में उठाया। उसका छठवां कारण बताए, भगवान अभी जहर पान करेंगे, उस तरह जूट जहर लेकर के आए और भगवान के पेट में विश्व ब्रह्मांड अनंत कोट विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। अगर भगवान जहर पान करते तो क्या होगा बताओ, विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगी है। इसलिए सारे दुनिया विश्व ब्रह्मांड प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, बोले प्रभु आप इसकी दूध मत पिया करो, क्योंकि दूध में स्थान में इसकी दूध नहीं, तो जहर जहर लेकर के आएंगे। अगर आप इसको स्तन पान करोगे ना, आपका पीना विश्व ब्रह्मांड हम सबके सब मारा जाएगी प्रभु, पीना नहीं। इसलिए भगवान आंख बंद करके श्री शंकर जी को बुलाए, बोले शंकर जी जल्दी जल्दी आओ। बोले क्यों, बोले क्यों क्यों, तुम्हारा काम है बीज पीना और मेरा काम है दूध पीना, तुम तो बीज बीज को पी लो और दूध दूध को पी लेना। इसलिए भगवान ने आंख बंद किए और जब पुतना ने भगवान को स्तन पान कराया, वो तो जहरी जहर है, भगवान स्तन क्या पान करेंगे, उसको प्राण को शोषण की। पुतना देखा ये 6 दिन का बच्चा है, ये 6 दिन का बच्चा ऐसे लग रहा है जैसे मेरे प्राण को शोषण कर रहा है। उसने कृष्ण को छुड़ाने के लिए कोशिश की, लेकिन कृष्ण बोले देखो मैं एक बार इसको पकड़ लेता हूँ मैं छोड़ता हूँ, मैं तो सबको पकड़ना ही सीखा, किसको छोड़ना अब तक सिखाए, फिर तुम मां बनकर आई, फिर मेरे को गोद में तुम ली, हाँ बेटे रूप में, मैं तेरे को भी छोड़ सकती हूँ, तेरे को जब तक मैं अपना चरण में नहीं बजा दू तेरे को तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कोशिश की, छुड़ा नहीं सकी। अभी वो सोच रही है अगर किसी तरह से मैं मथुरा चला जाऊं भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। इतने में धीरे धीरे पुतना अपना असली स्वरूप निकाले, भयंकर विशाल, कितने बड़ी, बोले 18 मील, इतने बड़ी है, इतने बड़ी कृष्ण को पकड़े और आकाश में उड़ चले। कृष्ण बोले कहां जा रहे हो, मथुरा तक मथुरा जाने नहीं दूंगा। बोले कहां ले गए, एक कंस का एक सुंदर बगीचा था, बड़े सुंदर फल फूल, कंस का सबसे प्यारा बगीचा है। उसका निर्देश था यहाँ का कोई भी फल और फूल जैसे कृष्ण सेवा में नहीं लगे, मेरे और मेरे जो अनुजाई जितने दुष्ट है राक्षस सबको मिलनी चाहिए। भगवान बोले दारी के दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मेरा और मेरे को और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा, और ये जितने सब दुष्ट लोग खाएंगे उसको। अब हम दिखाता हूँ, उन्होंने पुतना को उड़ा कर ले गए और उसी बगीचा में धड़ाम करके गिराया, और जितने पेड़ जितने फल फूल सब के सब खत्म, सारे खत्म कर दिए। देखो ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, जानते हो क्या शिक्षा देते हैं, कभी दुनिया मेरा बनाया, मेरा बनाया, मैंने बनाया, अरे मेरे भक्त और मेरे सेवा में नहीं लगाओ ना, एक दिन तुम्हारे घर में पुतना उड़ते हुए आ जाएगी, पुतना उड़ते हुए आएगी, वो ऐसे गिरे ना सब सत्यास कर देगी। मतलब क्या, घर में दुख कष्ट अशांति है, घर में इतने तरह का है दुख घर में ले आए। इसलिए क्या करनी चाहिए, घर में जो खाना बनाती है, घर में जो खाना बनाती हो पहले ठाकुर जी को भोग लगा, कृष्ण राम के पास में रख करके तुलसी पत्ता देकर ठाकुर जी को भोग लगा दो, बस ठाकुर जी को भोग लगाएंगे ना फिर पुतना नहीं आ सकती, फिर क्या होगा, कृष्ण पुतना को मार डालेंगे, कृष्ण पुतना को मार डालेंगे। इसलिए क्या करना, घर में जो खाना बनती है बगैर प्याज लहसुन के खाना खाओ, ठीक है, और सबसे पहले क्या करो भगवान को भोग लगाओ, बस अमृत हो गया, फिर खाओ चकाचक, घर का सारे तुम्हारी दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। घर में भोग लगाती कि नहीं, सबके सब लगाती हो कि नहीं, कि चट कर तू बनाकर चट कर लेती, नहीं पाप लगता है, ठीक है ना।
घर में बगैर भोग लगाए कभी खाना मत खाया करो। इतने में सारे ब्रजवासी पीछे से भागे, बोले भैया ये कहाँ लाला को ले जा रहा है? देखा पूतना मरी पड़ी, बोले हमारे लाला कहाँ पर है? देखा कृष्ण उसको छाती के ऊपर में खेल रहे हैं। इतने में ब्रजवासी लोग सीढ़ी लाए, हैं इतने बड़ी थी सीढ़ी लाए और सीढ़ी के ऊपर में चढ़ रहे थे। जो चढ़ रहे थे ना, बोले भगवान अगर ये बीच में जग गई ना जिंदा जिंदा खा जाएगी। बहुत बड़े उसको ऊपर में चढ़े और कृष्ण को वहां पर उतारे। फिर भैया ने कन्हैया को दूध पान करवाए। जब कृष्ण दूध पीकर थोड़ा खिलखिला के हंसे ना, बोले आप ठीक ठाक है, कुछ लाला को बिगड़ा नहीं। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाए, गैया की काली गैया की पूछ से झाड़ा लगवाए, राई नून को मंत्र पुत्र करके लाला के ऊपर छिड़काव कराए, भूत उतर जाए। फिर कन्हैया को हम जो तिलक लगे थे ना, कृष्ण को उन्होंने तिलक लगाया। ये तिलक ही बात है, सबके घर में ये सब तिलक लगने चाहिए, ठीक है ना, सबके सब तिलक लगाए हो। फिर उन्होंने क्या की, पुतना को शरीर में आग लगा दी। जब आग लगा दी, अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति हो अगर उसको शरीर में आग लगाओगे तो क्या निकलेगा बताओ? वो बदबू निकलेगी, है ना। लेकिन जो पुतना को शरीर में आग लगाया ना, वो बदबू नहीं निकली, वहां बड़ी खुशबू निकल रही थी। अगूर कर्पूर चंदन की खुशबू निकल रही थी। बोले क्यों? बोले भगवान जिनके सर पर ठाकुर जी ने पान किए हैं, दूर दूर में जो लोग थे, बोले भैया इतने सुंदर खुशबू कहां से आ रहे हैं? सारा दुनिया के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर देखा पुतना आई है। हैं? इतने में श्री नंद बाबा भी आ गए। आ करके नंद बाबा जब ये सब बात को सुने है ना, तो देखो अरे अरे व्यक्तियों को अंदर में घुसने में दिया करो। उनको सुने उतना बड़ी सुंदर बन करके आई थी, ऐसे सुंदरी ऐसे लग रहा था जैसे मानो भगवान गोकुल में जन्म लेने पर माँ लक्ष्मी स्वयं कमल बन से निकलती हुई ठाकुर को स्वागत करने के लिए आई। ऐसे लग रही थी इतनी सुंदरी, लेकिन निकली उतना निकली हो उतना। इसलिए नंद बाबा बोले खबरदार अरे गरे व्यक्तियों अंदर में घुसने मत दिया करो, बड़ी कड़ी पारा कर लगा दी। तब यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देखो भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए? बोले केवल कृष्ण को भक्ति करो। किसको भक्ति करो? किसको भक्ति करो? पूजा करो। बोले कृष्ण को भक्ति करो। बोले क्यों? देखो वो क्या कहते हैं, बोले पुतना लोक बाग्नि राक्षसे रुधिरासना जिज्ञासा पिहरे स्तनम तत्व सदगति। जब पुतना आई थी कहते उसके अंदर में सारे दुर्गुण है, कोई भी एक अच्छी गुण नहीं। पहला नंबर में कौन? पुतना। पुत मतलब पवित्र, ना मतलब नहीं जो अपवित्र थे। बोले दूसरे नंबर में बोले राक्षसी। बोले तीसरे नंबर में बोले बच्चों को खून पर पान करने वाली। बोले चौथा नंबर में ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आई थी? बोले जहर। सारे अपगुण अपगुण है, लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु। बोले गुण अपगुण प्रभु देखो ना, भगवान किसी अपगुण नहीं देखते हैं, इसके अंदर में भी उन्होंने सदगुण को छांट लिया। बोले भैया कौन सा सदगुण है? बोले वो जो माँ की रूप धारण करके आई थी और कृष्ण को केवल एक सेकंड के लिए केवल माँ की भाव से उन्होंने दर्शन कर लिए। बोले जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने जाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के प्यार करने, केवल इतने से प्रभु रीझ गए और भगवान ने क्या दे दिया? उन्होंने गोलोक वृंदावन में उन्होंने धाई भैया की स्थान दे दिया। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम पूर्ण श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। ऐसे व्यक्ति को अगर वो गोलोक वृंदावन दे सकते हैं, अगर कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान को भजन करे तो फिर ठाकुर उसको क्या नहीं दे सकते। इसलिए किसको भक्ति करनी चाहिए? भगवान कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए। क्यों? बोले वो हमारे अंदर में कोई अपगुण को नहीं नजर देते, हमारे अंदर में जो सदगुण है केवल ये सदगुण को ही वो देखते हैं। तब से सुखदेव गोस्वामी
वो प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण को, बोले क्या प्रश्न करते हैं? बोले कृष्णा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले बताओ क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ, अगर तुम पुतना तुम गोलोक वृंदावन भेज सकते हो, ये ब्रज में जो माता है जिनकी तुमने स्तनपान की, और ब्रज में जितने गैया है बच्चे बन करके सबके तुमने स्तनपान की, बताओ ये मैया को क्या लगा? लगता है तुम्हारी राज्य है ना है? तो अंधेरी नगरी चौपट राजा और टाका से भाजी और टाका से खाजा, लगता है तुम्हारी जो नगरी है वो अंधेरी नगरी है, सब तो बराबर है। तब संत लोग कथा सुनाते हैं, बोले एक समय एक गुरु एक चेला थे, ये दोनों भ्रमण करते करते एक राज्य में पहुंचे। वो राज्य में आप जो कुछ खरीद करो है, जो कुछ खरीद करो, हर किलो कोई भी साग भाजी खरीदी करो, ले रसगुल्ला खरीदी करो, घी जो कुछ लो, 1 किलो 1 रुपया है, 1 रुपया में 1 किलो, हर चीज 1 रुपया में 1 किलो। चला तो बड़ी खुश हो गया, बोले वाह बढ़िया देश में आ गए भैया, यहाँ पर साग भाजी खाने का क्या जरूरत है, रोज रोज रसमलाई लड्डी चपचप और मालपुआ घी पियो, थोड़ी सी यहाँ सहे देखो, अपना हेल्थ को थोड़ा अच्छा बना। लेकिन गुरु जी तो समझ गए, लगता है अंधेरी नगरी चौपट राजा, जिस देश में हर चीज 1 किलो 1-1 रुपया हो वो राजा कभी टिक नहीं सकता है, ये राजा लगता है थोड़ा पागल होगा जरूर। बोले चेलो को बोला भला चलो जल्दी जल्दी यहाँ से चल चलो। बोले गुरु जी इतने बढ़िया जगह पे आए, बोले चलो हम तो चाहता हूँ यहाँ पर रह करके कुछ दिन बढ़िया बढ़िया चीज खा करके अपना हेल्थ थोड़ा बढ़िया बना दे। बोले तू रहना तो रहो, मैं तो जा रहा हूँ। बोले देख बेटा, अगर जीवन में कोई विपत्ति आए ना मेरे को स्मरण कर लेना, बोले गुरु जी कोई चिंता मत कर, अब जा। अभी तो ये क्या कर रहा है रोज रोज घी मालपुआ रसमलाई लड्डी और राबड़ी है, कोई साग भाजी नहीं, रोज रोज चकाचक भोजन कर रहा है। भोजन करके अपना शरीर को एकदम मोटे सोटे लंबे चौड़े बना। एक दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी माता जी के घर में चोरी हुई। वो चोर जब चोरी करके ले जा रहा था ना, इसने केवल पीछे से उन्होंने केवल देख लिया था है? ये एक व्यक्ति चोरी करके जा रहा है और बड़े मोटे छोटे लंबा चोर। उसने राजा को शिकायत की, बोले महाराज कल मेरी घर में चोरी हो गई, तुमने देखा? बोले पीछे से देखा था, लंबा चौड़ा मोटा सा था। राजा तो थोड़ा दिमाग क्रेक था ही, उसने सिपाही को आदेश दिया, देखो मेरे राज्य में सबसे लंबे मोटे चौड़े कौन है, और ये तो घी पी पी करके राबड़ी खा खा करके शरीर को लंबे चौड़े नाग रखे, और पूरा राज्य में इसी को देखा लंबा चौड़े मोटे। बोले यही चोरी कर, चलो राजा बुला रहे। बोले क्यों? बोले एक माता जी के घर में चोरी हुई, उसने पीछे से देखा लंबा चौड़ा मोटा, तू ही लंबा चौड़ा मोटा, चलो। भाई आप पीछे से देख लिया मतलब जो लंबा चौड़ा भी क्या होगा। बोले गुरु जी तो सही बता रहे थे, ये राजा तरफ पागल है, अब उसको सूली चढ़ाया जाएगा। आप देखना, सूली चढ़ाने से पहले उसको पूछा जाता है तुम्हारी कोई मन में इच्छा है क्या? उसने कहा मैं अपना गुरु जी से एक बार मिलना चाहता हूँ। कहाँ रह रहे हैं? बोले अमुक स्थान पर। गुरु जी को बुलाए, बोले बेटा क्या बात? बोले गुरु जी आप सही बता रहे थे, ये राजा तो पागल है, पता नहीं किसने चोरी किया, पीछे से देखा मोटा सा, मेरे को ही पकड़ करके ले आए। तो मैं पहले बार तू मेरी बात सुनी नहीं? बोले गुरुदेव बचाओ। बोले देखो हम दोनों आपस आपस में लड़ेंगे, मैं बोलूंगा मेरे को सूली पर चढ़ाओ, तुम बोलेगा तुमको सूली पर चढ़ाओ, केवल लड़ाई करेंगे, फिर मैं सब कुछ देख लूंगा। अभी गुरु चेले तो मरने के लिए दोनों ही तैयार है, वो कहता है मेरे को सूली पर चढ़ा, वो कहता है मेरे को। राजा बोले मरने के लिए दोनों लड़ाई क्यों? बोले गुरु जी को बोला, बोले इधर क्या बात है? बोले महाराज जी आपको तो पता नहीं, मैं अभी अभी मैंने पंचांग देख करके आया हूँ, 100 साल को बाद में आज का जो योग है ये अमृत योग है, आज का दिन जो मरेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा, अभी अभी मैं देख करके आया हूँ, और 100 साल के बाद में आज का दिन, इसलिए मैं मर करके सीधा वैकुंठ क्यों नहीं जाऊंगा? राजा दिखा 100 साल के बाद में अमृत जोग आया,
100 साल के बाद में भैया मेरी माँ तो अभी बूढ़ी है, मेरी माँ भी बूढ़ी कुछ दिन बाद में मरने वाली, फिर अपना मैया को सूली में क्यों नहीं चढ़ा दे? बोले या दोनों जरूरत नहीं तुमको सूली में चढ़ने का, मेरी मैया बूढ़ी है कुछ दिन बाद में मरने वाली, फिर मैया सीधा भागो यहाँ से। गुरु जी ने चेले को बोले जल्दी चलो यहाँ से, गुरु चेले तो भागे और राजा अपना मैया को ही सूली में चढ़ा दे। हाँ देखो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण को प्रश्न करते हैं, बोले प्रभु लगता है तेरे जो राज्य है ना ये चौपट नगर है, कभी ये चौपट नगर लगता है, तुमने अगर पुतना को अगर तुमने गोलोक वृंदावन दे दिया, फिर ये गैया को बछड़े को ये माताओं को क्या स्थान दोगे? भगवान कहते देखो ये जथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। कृष्ण गीता में कहते हैं बोले मैं सबको बराबर नहीं देता हूं, सबको मैं बराबर नहीं देता हूं, जो जैसे मेरे को भजन करते हैं मैं ठीक उसी का अनुरूप उसको प्रेम प्रदान करता हूँ। भक्तों को तो मैं इतने बसीभूत तो होता हूँ भक्तों को प्रेम में, सखा तो मेरे को घोड़ा बना देते हैं, मैया तो मेरे कान पकड़ देती है, गोपियां अगर राधा रानी मान करती हैं जिनकी चरण में अपना बंसुरी और मोर मुकुट रख लेता हूं, इसलिए मैं तो जो जैसे भक्ति करना है मैं ठीक उसको तो प्रेम प्रदान करता हूं। इसलिए कृष्णा सबसे पहले किसको मारे? पुतना को मारे, पुतना को बोले क्यों पुतना को क्यों मारे? भगवान शिक्षा देते हैं अगर तुम मेरे को अपना हृदय में बैठना चाहते हो, तुम्हारी हृदय में जो पुतना है ना ये पुतना कौन राक्षस, ये पापी है, अपवित्र है, पहले ये पुतना को मारो फिर मेरे को तुम अपना दिल में बैठा सकते हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी शंकर जी को पता चला भगवान ने अभी गोकुल में ग्वाल बाल भगवान अभी नंद के लाला बन करके आए हैं, शंकर जी ने देखा प्रभु के मैंने सारी लीला देखी, लेकिन वो भगवान होते हुए भी जब भगवान को भूख लगे तब प्रभु रोते हैं, फिर मैया उनको दूध पिलाती है, विश्व ब्रह्मांड को जो चलाने वाले मैया अंगुल पकड़ करके उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है मैया। मैंने ये लीला कभी मैंने नहीं देखा, इसलिए शंकर भी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए शंकर जी गोकुल में पहुंचे, लेकिन जब गोकुल में पहुंचे ना शंकर जी को क्या कहते हैं? सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन शंकर जी का जो ऊपर का जो ड्रेस है ना बड़े सुंदर है, अपवित्र है। शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं? स्नो पावर क्रीम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कहाँ के क्यों शमशान के भगवती क्यों लगाते हैं? इसलिए शंकर जी ये जगत गुरु श्री शंकर है, शंकर जी ये गुरु है, इसलिए गुरु रूप में होने पर उस विश्व ब्रह्मांड को अच्छी शिक्षा देते हैं। बोले भैया जिस शरीर तुम इतना लिपस्टिक क्रीम और ब्यूटी पार्लर में सजते हो ना, चरण कृपा से खा खा करके मोटे कर रहे हो, जानो परिणाम क्या है? एक मोटी राख है, इसलिए उन्होंने कहीं पवित्र वस्तु का कोई नहीं लगाते, पर पवित्र वस्तु की राख नहीं वो शमशान की राख लगाते हैं, दुनिया को शिक्षा देते हैं। कहते वो चंदन क्यों लगाते हैं? नहीं मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, चंदन अगर मैं लगाऊंगा ना सारे भक्तों को सारे चंदन मेरे ऊपर डालेंगे, फिर मेरे प्रभु राम और कृष्ण सेवा में कमी होगी, इसलिए मैं ये चीज को धारण नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए कोई अच्छे जूही बेली चमेली हाँ ये अच्छी अच्छी कोई फूल को धारण करते हैं, बोले क्यों? बोले तो प्रभु का सेवक हूं, मेरे प्रभु की बाके बिहारी सेवा, राम सेवा में मेरे प्रभु सेवा में अच्छे फूल लगा, मैं सेवक हूं। इसलिए शंकर जी के ऊपर भी कौन सा फूल चढ़ता है? अधूरे और आकंद जो जहरे, जिस प्रेम को कोई नहीं लगाते। आपने कभी लगाया अधर पेड़? आकंद पेड़ को कभी लगाया? नहीं लगाया।
वो जंगल में अपने आप जो चीज होता है ना, कहते वो चीज को मैं धारण करूंगा। इसलिए उन्होंने कोई अच्छे फूल शंकर जी धारण नहीं करते हैं। और शंकर जी कहते कोई सोने चांदी के हार नहीं पहनते, उनका अलंकार क्या है, बोले सर्प है। बोले सर्प कौन है, बोले श्री अनंत देव है। बोले अनंत देव कौन है, बोले ये शंकर जी के गुरु है। इसलिए दुनिया में उसे क्या देते हैं, भैया अगर तुम अलंकार पहनना चाहते हो ना, कि सोने चांदी को मत पहना करो, सब निकाल लेंगे मरने से पहले, सब तुमको निकाल करके यही रख लेंगे। बोले क्या धारण करो, बोले गुरु जी उपदेश को धारण करो, जिसको धारण करने से तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगी है। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि शंकर जी गुरु है, वैष्णव है। जो संत है ना, वो अपने आप को छुपाने के लिए चाहते हैं, लेकिन चाहते हो तो छुपाने के लिए, लेकिन उन्हें छुपा नहीं सकते। बोले क्यों, बोले शंकर में सबसे पवित्र वस्तु है, जगत में सबसे पवित्र वस्तु श्री शंकर जी के पास में। बताओ जगत में सबसे पवित्र वस्तु शंकर जी के पास में कौन, बोलेगा हाथ उठा। हाँ, ये सब पंडित लोग यहाँ से बैठे। हाँ, इसलिए इसलिए शंकर जी की जगह में कौन है, स्वयं माँ गंगा। बोले श्री गंगा देवी की, जोर से बोलो। बोले श्री भोले बाबा की। इसलिए उनके पास में सबसे पवित्र वस्तु श्री गंगा देवी। इसलिए शंकर जी छुपा नहीं पाए, रहते तो पहाड़ में बर्फ होते, लेकिन तब भी लोग वहां पहुंच जाते हैं भोले बाबा के पास में, क्योंकि भोले बाबा वो भोले बाबा है, हैं? बड़े सरल से दे है। बोले भोले क्यों, बोले भगवान की भक्त है, ठाकुर जी की ये भक्त है, इसलिए शंकर जी ये भोले है। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए गोकुल में पहुंचे। जब पहुंचे इतने में दरवाजा पर एक गोपी खड़ी थी, इतने में बोली शंकर जी, बोले मैंने सुना है नंद के एक लाला भाई हो गए। बोले भैया नंद के लाला भाई हो तो तेरे कहाँ गए हो। बोले एक बार नंद के लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले ये पुतना आई थी, वो तो देखने में इतने सुंदरी लग रही थी, लक्ष्मी जैसे निकली राक्षसी, और तू देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख करके तो मेरी जी घबरा रहा है। मैं लाला में तो बड़ी जल्दी नजर लग जाता है लाला को, बाबा लाला का दर्शन नहीं होगा। उसने जाकर के मैया जसोदा को बोले, मैया ऐसे ऐसे मैया आ गई। आ गई तो बोले बाबा कहा बात है। बोले मैया लाला एक बार दर्शन करा दे, बड़ी आसली बात हो। बोले बाबा मेरे लाला के ऊपर भी बड़ी जल्दी नजर लगाती है, अब तो देखने में वैसे लग रहे हो, कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी है। इसलिए सोना चांदी जो लेना लो और रास्ता देखो। उन्होंने तो कृष्ण लेकर घर की कोड़े में छुपा दी। शंकर जी कौन है, कदी वैष्णव नाम जथा सब हो। भगवान भी सबसे जो परम भक्त कौन है, श्री भोले बाबा सबसे परम भक्त है, क्योंकि इनके बगैर प्रभु कोई लीला नहीं होती है। जब भगवान राम रूप में आए, बताओ तो शंकर राम लीला कौन क्या बनकर गया है, क्या बनकर को बताओ, कोई बता नहीं रहे, चुप हो गए। जब भगवान राम बनकर आए, शंकर किस रूप में आए, हनुमान जी। हाँ, शंकर जी हनुमान बनकर आए और प्रभु राम के चरण की सेवा कर रहे हैं शंकर। जब भगवान कृष्ण बनकर आए, फिर हनुमान को श्री शंकर किस रूप में आए, बताओ, गोपीश्वर महादेव रूप में आए, गोपीश्वर महादेव रूप में शंकर जी आए। इसलिए हर अवतार में शंकर जी प्रभु की सेवा करते हैं, हैं ठाकुर जी की ये सेवा करते हैं। इसलिए शंकर तो बैठ करके प्रभु को स्मरण करने लगे। बोले हे प्रभु, दूर से मैं आया हूँ, मेरे को एक झलक दर्शन तो दिया करो। अभी कृष्ण बड़े भक्तवत्सल, अभी उन्होंने दर्शन देने के लिए शंकर जी को, प्रभु तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। जब रो रहे थे, मैया जितने थप थप लगा रही थी, उतना जोर जोर से कृष्ण रो रहे थे, किसी तरह उनका रोना बंद नहीं हो पा रहा था। एक गोपी ने बोले, मैया वहां पर जो बाबा आया ना, वो चुपचाप बैठ करके आंख बंद करके कुछ ध्यान कर रहा है, लगता है तेरे लाला के ऊपर कोई ये जादू तो ना कर रहा है तेरे लाला के ऊपर भी है। इतने में
फिर मैया यशोदा ने उसको काले कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी और यहाँ पर काजल की बूंद लगा दी। काले कपड़े से ओढ़ करके बड़ी कष्ट से लेकर के आ गए। बोले लाला बाबा तू बड़े अकड़ हो, ले लाला का दर्शन कर। केवल एक झलक उन्होंने शंकर जी को दर्शन करवाया। बस दर्शन करते ही कृष्ण जो रो रहा था ना वह खिलखिले कर हंसने लग गए। शंकर जी जब हंस रहे तो रोना शुरू कर दिया। मैया तो समझ गई कि बाबा कुछ जानता है क्योंकि अभी तक तो रो रहा था, लेकिन इसको दर्शन करते ही लाला हंसने लग गया और इसकी रोना तो खुद लग गया और उसका अपना हंसना लाला दे दिया। मतलब बाबा कुछ जानता है कुछ। इतने बोले बाबा तेरे को जादू थोड़ा आता है। बोले हाँ। बोले मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है? बोले अगर एक काम करोगे ना कभी नजर नहीं लगेगा। बता दे। बोले जब जब तेरे लाला को तुम स्नान कराओगे जो चरणामृत है हाँ उनकी तुम लाल के सर पर डालो। आप लोगों को पता होगा जो जो कावर होते हैं ना, जो कावर होता है ना, जो गंगा पानी ला करके शंकर जी के सर पर डालते हैं। क्यों? ये गंगा कौन है? ये ठाकुर जी की चरणामृत ये गंगा है। ये भगवान को सबसे प्यारा है ठाकुर जी की, भगवान की चरणामृत है, इसलिए कृष्ण की चरणामृत ये गंगा है। इसलिए शंकर जी बोले वो चरणामृत सर पर डाल देना। बोले बाबा कर लूंगा, और कुछ करना पड़ेगा? बोले और एक काम करोगे ना कभी भी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जब जब तुम तेरे लाला को भोजन दोगे जब जब तुम लाला को भोजन कराओगे भोजन में थाला में जो बच जाएगी उसको ला करके मेरे को देना। बोले बाबा सोच लो, देखो ये 5,500 साल की कथा अभी भी आप नंदगांव में जाकर ही ला। पहले वहां से नंदेश्वर महादेव थे, जब शंकर भगवान को स्नान कराया जाएगा चरणामृत ला करके शंकर सर पर डालेंगे, जब भगवान की भोग लगेगा वो प्रसाद पहले शंकर जी भोजन करेंगे फिर दुनिया को प्रसाद मिलना है। देखो एक चीज समझो, पहले शंकर जी को देवी को रे हनुमान जी को मत दो, गणेश जी को मत दिया, कोई भी चीज सबसे पहले दो कृष्ण नहीं तो राम को दो, सबसे पहले दो वो जो प्रसाद है, फिर शंकर जी को दो, माता जी को दो, हनुमान जी को दो, बड़ी खुश होकर खाएंगे। हनुमान जी हम क्या करते हैं, लड्डू बनाया सभावन के सीधा सामने रख लिया, हनुमान क्या भूखे तो लड्डू खा लेंगे क्या? हनुमान जी वो देखेंगे इनकी नहीं, लड्डू तरफ देखेंगे भी नहीं, खाने का दुख की बात है, लेकिन वो कब खाएंगे जब भगवान राम को भोग लगेगा, मैया आनंद जी को भोग लगेगी, फिर जाकर के हनुमान जी खाएंगे। उनको खिलाए बगैर जीती ने रख लो हनुमान को सामने, वो देखेंगे भी नहीं उस तरफ, ठीक है ना? इसलिए पहले भगवान राम को कृष्ण को नारायण को पहले भोग लगाओ, फिर हनुमान को देने का नहीं लपक कर खा लो, वो लपक करके हनुमान जी खा ले। क्यों? ठाकुर जी की ये प्रसाद, ठीक है ना? इसलिए कोई भी चीज को शंकर जी को देवी को हनुमान जी को गणेश जी को कोई चीज डायरेक्ट मत खिलाना, पहले ठाकुर को खिला करके फिर भी बुलाया करो। अभी अगर आप गोकुल में जाओगे ना अभी भी वहां पर जोगिया कुंड है, शंकर जी जहां पर जोगिया कुंड में अभी भी बैठे, बोले प्रभु मैं यहीं बैठ रहूंगा। जब जब मैया यशोदा को गए जब जब तेरे लाला को ऊपर कोई नजर लग जाए तो मेरे को बुला कर ले लेना, फिर राय लून का मैं मंत्र करके तेरे लाला के लिए दे दूंगा, फिर तो तेरे लाला की सब भूल दूर कर जाएगा। इसलिए अभी भी शंकर जी वहीं पर बैठ करके प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल मेरे कान्हा मेरे रोना रे।
उसका शरीर गायब हो रहा है, चरण में गिर पड़े संत।
संत दयाल होते ही। बोले ठीक है बेटा, द्वापर युग में जो कृष्ण जन्म लेंगे उनके चरण स्पर्श से मुक्ति मिलेगी। इतने में कृष्ण देखा मामा जी आ गए। क्यों? कंस मामा, उनको संबंधी सब मामा लगते हैं। बोले मामा कुछ ना कुछ करेंगे। उसने देखा कृष्ण बैलगाड़ी पर नीचे लेटे हुए, वो बैलगाड़ी के ऊपर सवार हुआ। बोले दबाते दबाते ऐसे दबा दूंगा ना कृष्ण तो पीस जाएंगे। इतने में कृष्ण अपना नन्हे नन्हे चरण चलाना शुरू किया। ऐसे ठोकर मारे, वो गई जो गाड़ी थी ना एकदम पलट गई। जितने दूध दही मक्खन सबके सब बिखर गया सबके सब। जो गोपियां बैठ करके कीर्तन कर रही थी, बोली भैया कोई आंधी तूफान कुछ है नहीं, पल तो पल कैसे भागते भागते आए। देखा तो दैत्य बड़ा बड़ा था, लेकिन छोटे छोटे कृष्ण का बच्चों ने देखा कृष्ण के चरण की ठोकर से ये गिर पड़ी। बोले मैया मैया हम बताएं कैसे कैसे गाड़ी पलट गई। बोले कैसे? बोले कन्या की चरण की ठोकर से लगता है भाग की गोला खा लिया जाता है। मेरे लाला की 3 महीना की और उसकी चरण की ठोकर गाड़ी पलट गई है, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, कृष्ण केवल जब 6 दिन थे उन्हें उतना मारे। बोले कैसे मारे? बोले उनके होठ में शक्ति दिखाए, वो दूध पिए भी तो उनके होठ में नहीं सकती कृष्ण की। 6 दिन में उन्होंने पुतना को मार डाले। अभी कृष्ण कितने दिन के? 3 महीना थे। कहते कि 3 महीना के बच्चे का चरण कितना बड़ा होता है, कितने कोमल होता है। शिक्षा दिए कृष्ण की चरण की जो ठोकर नहीं है केवल अंगुल नहीं तीन सकती है, उन्होंने सकटासुर जैसे दैत्य को उन्होंने पछाड़ डाली। इतने में मैया ने कन्या को वहां से उठा करके ले गई, कीर्तन को बीच में लेटा दी। फिर गोपियों ने कीर्तन गाना शुरू कर दिए, कृष्ण खुश हो गए। बोले पहले अगर मेरे को उठा करके ले आता ना मैं इतना नटखट नहीं करता। देखो यहाँ पर शिक्षा क्या दे रहे, ध्यान दे के सुनो। कम से कम इतनी सी बात लेकर घर में जाना, आपस आपस में बात मत करो। मैं बताया था ना कथा सुनना हो जिसको जानते हो पास में मत बैठा करो, अलग अलग बैठो। जिसको जानते हो अलग बैठो, नहीं तो बात करो बहु बेटियों की बात करके बैठ बैठे। देखो इसलिए उन्होंने शिक्षा क्या दी है, उन्होंने हम लोग के लिए शिक्षा दिया। जब घर में कोई उत्सव हो क्या करो, भगवान को उत्सव से अलग मत करो। मैया ने क्या की, भगवान को उत्सव से अलग कर दी। बोले कहां लेटा दी? बोले गाड़ी को नीचे, और घर का जितने सामान वे गाड़ी को रख दिया। मतलब है भगवान को तो कर दिया बीचा, और घर का जितने संपत्ति है ना जितने सामान को रख दिया बैलगाड़ी के ऊपर। भगवान छोटे और दुनियादारी बस हो गया बड़ी। भगवान बोले भैया मेरे उत्सव मेरे लिए, और मेरे को उत्सव से तो अलग कर दिए, इसलिए भगवान चरण की ठोकर मारे। इसका मतलब है देखो घर में जो कोई काम हो ना हम भी यही करते हैं। सारा दुनिया को का बर्थडे बनाई, शादी की सालगिरह में तो शादी हुई, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं। सारे जितने शराब पीने वाले सब मांस खाने वाले जितने को घर में बुलाएंगे, बुला के खूब बदल मिलाएंगे हैं, खूब मांस खिलाएंगे, लेकिन जिसने तुमको दुनिया दिया जिसका सब कुछ वो चुपचाप घर में बैठा है, उसके अंतिम तीन दिन का ड्रेस बदला रहे। लेकिन जिसने तेरे को सारा सब कुछ दिया वो 10-15 की ड्रेस में बैठा चुपचाप, और हम दिन में 3 बार ड्रेस बदला ले, 3 बार ड्रेस हम बदला ले। फिर ठाकुर जी क्या करेंगे बताओ? ऐसे ठोकर मारूंगा ना तेरे सब सत्यानाश कर दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा, ठीक है ना। ऐसे ने क्या करो, जब अपना बच्चे तुम्हारे लिए कोई ड्रेस बनाते हो सबसे पहले देखो ठाकुर जी को पास में कोई ड्रेस है नहीं कि ठाकुर एक ड्रेस को महीना से पहन रहे हैं जिसने तेरे को दिया। बताओ द्रौपदी ने कृष्ण को क्या दी बताओ? अंगुल कट गया तो थोड़ी सी कपड़ा फाड़ कर बयान दिया, लेकिन भरी सभा में लाज है ना, भरी सभा में ऐसे कृष्ण भस्त बन गए, 10,000 हाथ का ताकत खत्म, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हो पाई है ना। इसलिए पहले सबसे पहले भगवान के लिए देखो, अपना बच्चे लिए मत देखो।
एक दिन बच्चा तेरे को ही ठोकर मारेगा जिसको ज्यादा प्रेम कर रहे हो, एक दिन घर से बहू आएगा तो तेरे घर से निकाल देंगे, हैं? लेकिन भगवान ऐसे नहीं करेंगे, भगवान ऐसे नहीं करेंगे। अगर इतना करोगे ना, दामाद दो मिनट चिढ़वा दिया तो त्रिभुवन का राज्य दे दिया। इसलिए पहले भगवान को, और दूसरी चीज अपना प्रभु जी को गेट के पास में बैठा, जो बच्चे आते हैं ना उसको अंदर में आने ही नहीं देना, एकदम गेट के पास में, किसी भी बच्चे को अंदर में घुसने मत देना। इसलिए बोले श्री वृंदावन बिहारी की जय जय श्री राम। ठीक है ना, समझ गई नहीं? अब घर में जब कोई खाना बनता है क्या करो, पहले दुनिया को खिलाने से पहले ठाकुर को, ठाकुर जी को भोग लगा। तुलसी बता से घर में ऐसे कोई चीज बनाओ जो भगवान को पसंद बने, ऐसी चीज बनाओ जो ठाकुर जी की पसंद हो। ठीक है, कोशिश करना। घर में तो मांस मछली बनती नहीं, किसी घर में तो मांस मछली नहीं बनती, बनती है घर में। घर में तो ये चीज को घुसाना नहीं, ठीक है ना, कभी ये चीज को घर में नहीं घुसाना। कहते हैं ना, देखो बुरा मत मानना, ये बताओ जब इस शरीर मरने बाद शरीर जब मर जाता है तो सब होता है, और इस सब को यहाँ पर जलाते हैं वो शाम को क्या कहते हैं, शमशान। अगर कोई जानवर मर गया उसको घर में लाकर के तुमने जलाना शुरू रोशनी पर, घर क्या बनेगी, घर क्या बनेगी तुम बताओ, शमशान बनेगी। यहाँ पर शरीर मरने पर गाड़ देते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, कब्रस्तान। जब मांस मछली